start with the constraint in create query. We have to do some perform some constraint like not null, default, unique, check, primary key, foreign key. So first start with not null. सबसे पहले आपको ओपन करना है, यहाँ पे आप विंडो प्रेस करो, आप यहाँ पे लिखोगे वर्कबेंच, तो यहाँ पे आपको MySQL वर्कबेंच दिख जाएगा, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है. सो ये ऐप लॉन्च हो जाएगा यहाँ से आपका, आपको क्लिक करना है. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड सेव किया हुआ है, सो डायरेक्टली मेरे यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा. मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ. एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस. सो हाउ टू क्रिएट न्यू डेटाबेस, आपको टाइप करना है CREATE क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम रखना है. डेटाबेस का नाम मैं रख रहा हूँ क्लास 12, सेमी कोलन करो, एंड यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हो ये क्वेरी परफॉर्म हो जाएगी, क्रिएट डेटाबेस क्लास 12. नाउ आपको अगर देखना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो हाउ कि हमारा डेटाबेस बन गया या नहीं बन गया. तो चेक करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेरी है, यहाँ पे आप टाइप करोगे शो डेटाबेस. ऐसे आप शो डेटाबेस टाइप करोगे SHOW शो, SHOW DATABASES डेटाबेसेस, और यहाँ पे आप रन करोगे इस क्वेरी को तो आपको यहाँ पे सारी डेटाबेस दिख जाएंगे. क्लास 12 हमने अभी अभी क्रिएट किया है, अब हमें इस डेटाबेस को यूज करना है. सो इसके लिए हमें क्या टाइप करना होगा, तो वापस हमें यहाँ टाइप करना पड़ेगा यूएससी यूज क्लास 12 सेमी कोलन, और यहाँ पे आप रन करोगे. सो थर्ड क्वेरी है यूज क्लास 12, हमने ये हम इस डेटाबेस में एंटर हो चुके हैं क्लास 12 नाम के. नाउ अब हम यहाँ पे बनाएंगे क्रिएट टेबल की क्वेरी. सो एक सिंपल, अगर आपको टेबल क्रिएट करनी तो आपको क्या टाइप करना होगा, CREATE क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, टेबल का नेम मैं रख रहा हूँ स्टूडेंट, देन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, यहाँ पर आएगा सेमी कोलन, यहाँ पर आएगा S_ रोल नंबर इंटीजर कॉमा, देन आएगा S_ नेम VARCHR वेर केयर के अंदर आएगा 40 कॉमा, देन आएगा S_ रोल नंबर हो गया, नेम हो गया. नाउ यूजर से लेंगे कॉन्टेक्ट, यहाँ पर इंटीजर नहीं यूज करके हम वेर केयर यूज करेंगे, बिकॉज इंटीजर में हम खाली इंसर्ट कर सकते हैं 9 digits तक, और मोबाइल नंबर 10 digit का होता है. सो यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे वेर केयर, और वेर केयर के यहाँ पे हम अगेन डाल देंगे 10 कॉमा, लास्ट हम लेंगे S_DOB डेट ऑफ बर्थ. सो यहाँ पे DOB आ जाएगा S_DOB DATE डेट, दैट्स इट. यहां पर आके इस क्वेरी को हम करेंगे रन, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, यहाँ कोई एरर नहीं है, मींस हमारी ये जो क्रिएट की क्वेरी थी वो रन हो गई है. नाउ इफ यू वांट टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, आपको क्या करना होगा, आपको टाइप करना है DESC STUDENT स्टूडेंट, सेमी कोलन करके यहाँ पे रन करोगे तो आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा. ओके, हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है. अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक इंसर्ट की क्वेरी बताऊं, राइट ना हमने कोई कंस्टेंट यूज नहीं किया, तो हम एक इंसर्ट की क्वेरी यहाँ पर एड करेंगे. इंसर्ट इन टू, टेबल का नाम है स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, और यहां पर आएगा वैल्यूज VLUS वैल्यूज. नाउ यहाँ पे मैं सेमी कोलन ऐड कर रहा हूँ. अब अगर मैं नीचे देखूँ स्ट्रक्चर को और मैं यहाँ पे डेटा एंटर करूँ, तो पहला रोल नंबर है, आई एम इंसर्टिंग 1 कॉमा, देन नेम है, नेम आप अगर आप कैर लिखोगे तो आपको सिंगल कोट यूज करना होगा, अगर आप वेर केयर टाइप करते हो डेटा टाइप के अंदर तो आप सिंगल कोट एज वेल एज डबल कोट दोनों यूज कर सकते हो. सो मैं डबल कोट यूज कर रहा हूँ, नेम में मैं ABC लिख रहा हूँ कॉमा, देन कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी वेर केयर में यूज होगा बिकॉज हमने वेर केयर लिखा, तो हमें डबल कोट्स यहाँ यूज करना है. एंड यहाँ पे इंसर्ट करते हैं 6655441122, देन अगेन कॉमा. नाउ डेट, अगर मैं डेट की बात करूँ तो डेट आपको यहाँ पे सिंगल, आपको सिंगल कोट्स में डेट यहाँ पे इंसर्ट करनी है. सबसे पहले आएगा ईयर 1999, देन 10 मंथ एंड 15 डेट. अब इसे रन करते हैं. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, 1 row अफेक्टेड, हमारी क्वेरी प्रॉपर रन कर गई, हमारा 1 row अफेक्ट हुआ है. सपोज अब मैं वापस यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करूंगा, मैं यहाँ पे सेकंड नंबर ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं नेम चेंज कर दूंगा XYZ, एंड यहाँ जहां पे मैंने नंबर लिखा है इसे हटा के मैं यहाँ लिख दूंगा NULL, बाकी सब एसिडीज रखते हैं. एंड मैं यहाँ पे रन करता हूँ इस क्वेरी को अगेन. तो यहाँ पर ये क्वेरी भी रन हो रही है, बट डेटाबेस में हमने देखा था, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने थ्योरी पढ़ी थी, वहां ये था कि हमारे डेटाबेस में कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं रहना चाहिए और कोई भी डेटा रॉन्ग नहीं आना चाहिए. तो यहाँ पर ये ब्लैंक रह रहा है. अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी यूज करूँ, SELECT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट सेमी कोलन, एंड मैं रन करता हूँ अगर इसको, तो यहाँ पे देखो नल लिखा दिख रहा है. सो अब यहाँ पर हमें यूज करना होगा कंस्ट्रेंट.
हमारे डेटाबेस में कोई भी क्वेरी नल ना जा सके। सो फर्स्ट जो कंसेप्ट उसके लिए हम यूज करेंगे वो कौन सा होगा, सो यहाँ पर अगेन हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे, create table std stud bracket bracket and semicolon s underscore ro double l roll number, यहां पर roll number को मैं कर दूंगा integer space not null comma then आएगा s underscore name where care 40 then again comma s underscore हाँ आप where care के बाद आप यहाँ पे भी not null का जो constraint है वो add कर सकते हैं। so कोई भी column हो आपके database में, कोई भी row कोई भी column का कोई भी field user blank नहीं रख सकता, उसे वहां पे कोई ना कोई data enter करना compulsory रहेगा। then s underscore roll number s underscore name now s underscore contact अगेन वेर केयर अगेन यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं 10 स्पेस नॉट नल कॉमा लास्ट डेटा आएगा जो होगा एस अंडर स्कोर डी ए टी ए टी डेट डी ए टी डेट यहाँ पे भी हम यूज करेंगे नॉट एन यू डबल एल नल तो यहाँ ले जाओ ये कंप्लीट हो गया। आप यहाँ से रन कर सकते हो सर, जैसे आप ऐसा रन करोगे अगेन आ जाएगा क्रिएट टेबल हो गया जीरो रो अफेक्टेड। नाउ अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं DESC डिस्क्राइब टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल और टेबल का नाम था std stud सेमीकोलन अब मैं यहां रन कर रहा हूं, अब आपको नल के यहां पर विजिबल होगा नो, लास्ट टाइम यहां पे आ रहा था यस yes, अब आ रहा है नो, मीन्स अगर अब मैं एक क्वेरी बनाऊं इंसर्ट की इंसर्ट इन टू std stud bracket bracket and values VLUS values now मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ 1 comma named ABC comma and यहाँ पे मैं null null पास कर रहा हूँ and comma date में मैं वहाँ पे सिंगल कोट्स में 1999 10 15 करके सेमीकोलन यहाँ पे कर रहा हूँ एंड यहाँ पे रन करता हूँ मैं इसे। सो यहाँ पर एक एरर आएगा insert into stud value null code column is contact cannot be null क्योंकि मैंने constraint में not null add कर दिया था, तो यहाँ पर कोई भी null, constraint का कोई भी part हमारी field की हमारे data base में table के अंदर कोई भी field null नहीं हो सकती। so आपको यहाँ पर compulsory data को add करना ही पड़ेगा and yes इसके बाद यहाँ से run करते हैं and यहाँ पे one row affected हो गया। now एक और insert create करते हैं like मैं यहाँ पे insert कर रहा हूँ वापस one यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ XYZ मोबाइल नंबर से यहाँ पे मैं 77 ऐड कर देता हूँ डेट में यहाँ पे मैं डेट चेंज कर देता हूँ सॉरी मंथ चेंज कर देता हूँ मैं 9 और मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ वापस वन रो अफेक्ट हो गई। अब अगर मैं वापस एक बार सिलेक्ट की क्वेरी फायर करूँ SELECT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STUD स्टूड और स्टूड का एस कैपिटल रहेगा सेमी कोलन और मैं यहाँ पे रन करता हूँ अगर इसे, अब आपको यहाँ पर एक एरर दिख रही होगी कि रोल नंबर दो जन के सेम हो गए। अगेन जब हमने थियरी पढ़ी थी डेटाबेस की हमने ये पढ़ा था कि जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हो तो उसमें रिडंडेंसी और कोई भी डेटा कॉपी नहीं होना चाहिए और कोई भी सिमिलर डेटा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर रिडंडेंसी भी आ गई और एक कंस्ट्रेंट ब्रेक हो रहा है कि दो बच्चों के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते, तो यहाँ पर ये डेटाबेस रॉन्ग हो जाएगा। नाउ यहाँ पर हम एक कंस्ट्रेंट और यूज करेंगे, जो नया कंस्ट्रेंट हम यहाँ यूज करेंगे वो होगा यूनिक करके कंस्ट्रेंट है जो हम यूज करेंगे। सो मैं यहाँ एक और टेबल अभी क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मैं आपको यूनिक कंस्ट्रेंट के बारे में बताऊंगा कि हाउ वी कैन यूज अ यूनिक कंस्ट्रेंट इन अवर डेटाबेस। सो अगेन यहाँ पे मैं लिखूंगा चलो सो अगेन हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे CREATE क्रिएट टेबल का नेम होगा यहाँ पे स्टूड 123 ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड सेमीकोलन यहाँ पर अब हम ट्विटर डालेंगे s underscore रोल नंबर integer देन हम लिखेंगे नॉट नल देन स्पेस करके हम यहाँ पे एक नया कंस्टेंट ऐड करेंगे जिसे हम कहते हैं यूनिक UNIQUE यहाँ पे लिखा हुआ आई गया यूनिक कॉमा एंटर करते हैं। अब हम यहाँ ऐड करेंगे s underscore name
नेम में आएगा वेर केयर ब्रैकेट और ब्रैकेट एंड, यहाँ पे हम 40 रखेंगे एंड कॉमा। नाउ अगेन हम जाएंगे एस अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट में जाएंगे स्पेस वेर केयर 10 कॉमा, देन वापस हम जाएंगे एस अंडरस्कोर डेट date, इन दोनों जगह पे हमें एक ही चीज और ऐड करनी है, वो है नॉट नल। सो यूजर कोई भी पर्सन जो डेटा है इसमें डेटा ऐड करेगा वो कोई भी डेटा को ब्लैंक नहीं रख सकता। यहाँ पे भी हमें ऐड करना है नॉट नल। नाउ डेट, डेट के यहाँ पे भी हम लिख देंगे नॉट नल, लेट्स इट। अब इसे रन करना है, इस पूरी क्वेरी को हमें रन करना है, हम यहाँ पे रन करते हैं, कोई एरर नहीं है, क्रिएट हो गई टेबल 1 2 3 स्टूडम की। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हो स्ट्रक्चर, तो आप टाइप करोगे DESCSTUD123 सेमीकोलन, यहाँ पे आप रन करोगे, यहाँ पे आपको नल के यहाँ पर नो लिखा दिखेगा, जहां पे जिस फील्ड को मैंने यूनिक बनाया था वहां पर आपको की दिख रही है, की के नीचे प्राइमरी दिख रहा है, यूनिक एज सेम वर्क करती है प्राइमरी की, मतलब अब रोल नंबर हर एक पर्सन को यूनिक देना पड़ेगा। तो चलो लेट्स ट्राई विथ इंसर्ट क्वेरी, हम चेक कर लेते हैं इस कंस्टेंट को, इंसर्ट इनटू STUD123 ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, यहाँ पे आएगा वैल्यूज VALUES। नाउ यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले मैं इंसर्ट करना रोल नंबर 1 कॉमा, देन डबल कोट्स में नेम ABC कॉमा, देन डबल कोट्स में नंबर 5566998877 कॉमा, नाउ डेट इन अ सिंगल कोट 1996 10 15 सेमीकोलन, यहाँ पे हम इसे रन करते हैं। सो इंसर्ट इनटू टेबल 1 रो अफेक्टेड। नाउ अगेन फिर से मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, रोल नंबर एज इट इज सेम रख रहा हूँ, नाम में XYZ कर दूंगा, XYZ नंबर में यहाँ पे 77 इंसर्ट कर दूंगा, एंड में अगेन रन करूंगा। सो नाउ मेरे पास एक एरर आएगा, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट रोल नंबर, इसके एरर आ गई डुप्लीकेट की। सो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा बिकॉज मैंने यहाँ पे यूनिक की को यूज किया है, सो मुझे यहाँ पे कंपलसरी 2 ऐड करना होगा, और अब मैं रन करूंगा तो ये डेटा मेरे डेटाबेस में एंटर हो जाएगा। नाउ इफ यू वॉन्ट टू सी द फुल क्वेरी, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STUD123 सेमीकोलन, और यहाँ पर रन करोगे तो यहाँ पे वो 1 2 रोल नंबर दिख रहा है, नेम दिख रहा है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर और डेट दिख रहा है। सो ये हमारा सेकेंड कंस्टेंट कम्प्लीट हो गया यूनिक की का। अब जो थर्ड कंस्टेंट है हमारे पास वो है डिफॉल्ट, सो उसके लिए एक नई टेबल क्रिएट करेंगे फिर से। सो CREATE क्रिएट टेबल, टेबल का नाम होगा STUD12 ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, यहाँ पे आप रन करोगे इस क्वेरी को। नाउ यहाँ पे आएगा एस अंडरस्कोर रोल नंबर, रोल नंबर में आएगा इंटीजर, यहाँ पर हम सारे कंस्टेंट यूज करने वाले हैं, नॉट नल सबसे पहला कंस्टेंट यूज करेंगे, दूसरा कंस्टेंट होगा यूनिक UNIQUE स्पेस, इसके बाद एक कंस्टेंट और है आपको यहाँ यूज करना है, नहीं यहाँ पे 2 कंस्टेंट काफी है कॉमा। नेक्स्ट आते हैं एस अंडरस्कोर नेम वेरकेर ब्रैकेट एंड, यहां पर आएगा 40 नॉट नल कॉमा, देन आएगा एस अंडरस्कोर रोल नंबर नेम एस अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट CONTACT कॉन्टेक्ट वेरकेर ब्रैकेट में आएगा 10 यहां पर आएगा नॉट नल कॉमा, देन नेक्स्ट। इसके बाद अब एक चीज और ऐड करनी होगी हमें, वो है एस अंडरस्कोर डेट, एंड उसके बाद एक डिफॉल्ट कंस्टेंट हम यहाँ ऐड करेंगे एस अंडरस्कोर डेट, जिसमें डेटा टाइप होगा डेट, देन नॉट नल कॉमा। नाउ यहां पर हम जब हम स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि एक डिवीजन क्रिएट कर दें, सेक्शन जिसे बोलते हैं, तो एस अंडरस्कोर SEC फॉर सेक्शन, सेक्शन के यहाँ पर आप लिखोगे वेर केयर ब्रैकेट में जाके यहाँ पे करोगे 1 स्पेस, इसके बाद आप लिखोगे डिफॉल्ट इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर A, डिफॉल्ट A, एंड जैसे मैं इसे रन करूंगा क्रिएट टेबल, ये टेबल की क्वेरी आ गई है मेरे पास। अब अगर आपको इसका स्ट्रक्चर चेक करना है तो आप टाइप कर सकते हो DESCSTUD12 सेमीकोलन, आप यहाँ पे से रन करोगे
आपको यहाँ पे डिफॉल्ट में एक वैल्यू दिख जाएगी, डिफॉल्ट यहाँ पे हर जगह नल था, यहाँ पर डिफॉल्ट ए है। मीन्स अब जब मैं इंसर्ट की क्वेरी लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, इंसर्ट इन टू एस टी यू डी 1 2 देन ब्रैकेट्स आर ब्रैकेट एंड, यहाँ पे पहले मैं हर एक चीज को डिफाइन कर दूंगा, जैसे एस अंडरस्कोर रोल नंबर कॉमा, देन आएगा एस अंडरस्कोर नेम कॉमा एस अंडरस्कोर सी ओ एन टी ए सी टी कॉन्टेक्ट कॉमा एस अंडरस्कोर डी ए टी डेट। ओके सेक्शन नंबर भी इंसर्ट नहीं करना, यहाँ आके आपको लिखना है वी एल यू एस वैल्यूज ब्रैकेट एंड ब्रैकेट एंड। नाउ आप यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करोगे 1 कॉमा डबल कोट्स ए बी सी कॉमा, देन यहाँ पर आप ऐड करोगे कॉन्टेक्ट नंबर अगेन डबल कोट्स कॉमा देन डेट सिंगल कोट 1996 08 10 सेमीकोलन। और जैसे आप इस क्वेरी को रन करोगे इंसर्ट इनटू स्टूड आपके पास एक क्वेरी आ गई। अब अगर मैं इस क्वेरी को सिलेक्ट के थ्रू पूरी टेबल को चेक करूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस टी यू डी 1 2 सेमीकोलन, तो यहां पे हमने इंसर्ट की थी 4 वैल्यू और जो फिफ्थ डिफॉल्ट वैल्यू थी वो ऑटोमेटिक आ गई। बट उसके लिए जब आप इंसर्ट करोगे तो आप जितनी वैल्यू जितनी टपल जितने वैल्यू आप इंसर्ट करोगे कॉलम्स के लिए, पहले उन कॉलम्स का नेम लिखोगे देन वैल्यू पुट करके आप उनकी वैल्यूज लिखोगे। सो बाय यूजिंग दिस हमने हमारा थर्ड कंस्ट्रेंट कंप्लीट कर लिया है जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। नाउ हमें जाना है चेक कंस्ट्रेंट पे, जो हमारा फोर्थ कंस्ट्रेंट है वो है चेक कंस्ट्रेंट। सो अब हम नेक्स्ट कंस्ट्रेंट देखेंगे जो है चेक कंस्ट्रेंट। सो एसक्यूएल चेक कंस्ट्रेंट कैसे यूज करना है, सबसे पहले वापस हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं सीआरईएटी क्रिएट टेबल एस टी यू डी 1 ब्रैकेट आर ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, देन हम यहाँ पे रन करेंगे इस टेबल को। सो क्रिएट टेबल स्टूड 1 और टेबल स्टार्ट हो गया बनाना। सो आएगा एस अंडरस्कोर आईडी और एस अंडरस्कोर रोल नंबर, आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो रोल नंबर इंटीजर। नाउ मैं यहाँ पे नॉट नल एंड यूनिक सेम कंस्ट्रेंट वापिस यूज करूंगा, नॉट नल यू एन आई क्यू यूनिक स्पेस, और यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करूंगा वो है चेक सी एच ई सी के चेक आप लिखोगे यहाँ पे चेक। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट क्रिएट करना है और यहाँ आपको लिखना है आर ओ एस अंडर स्कोर आर ओ डबल एल रोल नंबर ग्रेटर देन 0। मीन्स याद रखना आपको यहाँ पे एक कंडीशन बनानी है, मतलब किसी भी पर्सन का रोल नंबर जो भी रोल मैट करे वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बेसिकली हम यही होते थे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40, और मतलब इस तरह वो कंडीशन चेक करनी कि किसी का भी रोल नंबर एक लिमिट होती है। अगर आप चाहते हो कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स ही हो तो आप लिख दो कि रोल नंबर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 40 या रोल नंबर इज नॉट ग्रेटर देन, नॉट लगा दो नॉट इक्वल टू 40, तो 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मीनिंग है जो 0 से ज्यादा ही होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, किसी बच्चे का रोल नंबर 0 ना हो। सो इस तरह से आप डिफरेंट कंडीशंस को यहाँ पर पुट कर सकते हो कि यहाँ रोल नंबर मैक्सिमम यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एंड होने चाहिए, तो आप लिखोगे रोल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट 40। इस तरह से आप यहाँ पे क्वेरी पास कर सकते हो। राइट नाउ मैं यहाँ पे क्वेरी कर रहा हूँ कि ग्रेटर देन 0 होने चाहिए कॉमा एंटर, देन यहाँ लिखेंगे एस अंडरस्कोर नेम वेर कैर 40 नॉट नल कॉमा, देन यहाँ डालोगे एस अंडरस्कोर रोल नंबर हो गया नेम हो गया। नाउ यहाँ पर आप इंसर्ट करोगे एस अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट के अंदर आप इंसर्ट कर दोगे अगेन वेर कैर 10 स्पेस, यहाँ पे आप इंसर्ट करोगे नॉट नल देन अगेन कॉमा, देन यहाँ पे आप एस अंडरस्कोर डेट इंसर्ट करोगे स्पेस डेट के यहाँ पर आप इंसर्ट करोगे डी ए टी डेट, यहाँ पे आप इंसर्ट करोगे नॉट नल कॉमा, देन यहाँ पर अगेन आप डालोगे एस अंडरस्कोर एस सी सी फॉर सेक्शन, सेक्शन के अंदर यहाँ पे आप इंसर्ट कर दोगे वेर केयर, यहाँ पर सेक्शन में 1 ही लिखना है, देन स्पेस आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे डिफॉल्ट एफ ए यू एल टी डिफॉल्ट स्पेस सिंगल कोट्स में बिकॉज ये वेर केयर है तो मैं ए लूंगा यहाँ पर आके, दैट्स इट कंप्लीट। यहाँ पे हमने एक नया कंस्ट्रेंट ले लिया चेक कंस्ट्रेंट, चेक आपको चेक लिखना है, फिर जो भी आपको जो भी फील्ड पे चेक कराना है फील्ड का नाम और उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है। नाउ मैं इसे रन कर रहा हूँ,
क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट हो गई है। एक बार ऐसा स्ट्रक्चर देखना है तो आप यहाँ टाइप करोगे DESCSTUD12 सेमी कोलन और यहाँ पे आप रन करोगे। सो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा, यहाँ पर चेक कंस्ट्रेंट भी आपको विजिबल हो जाएगा। अब आप वापस रन करते हैं, सो यहाँ पर आ गया आपके पास टेबल। यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट के लिए कोई वहां पे नहीं दिया हुआ विजिबिलिटी, बट चेक कर लेते हैं वर्किंग है या नहीं है। सो मैं यहाँ टाइप करूंगा इंसर्ट इनटू STUD1। नाउ सबसे पहले आपको ब्रैकेट बना के वैल्यूज इंसर्ट करनी है, क्योंकि हमने डिफॉल्ट भी लिया हुआ है। सो एस अंडरस्कोर रोल नंबर कॉमा एस अंडरस्कोर नेम कॉमा एस अंडरस्कोर CONTACT कॉन्टैक्ट कॉमा एस अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट के बाद हम इंसर्ट करेंगे एस अंडरस्कोर डेट कॉमा देन हम इंसर्ट करेंगे एस अंडरस्कोर SEC फॉर सेक्शन। तो डिफॉल्ट तो हमें इंसर्ट नहीं करना, स्पेस वैल्यूज ब्रैकेट सर ब्रैकेट एंड यहाँ पर मैं जीरो इंसर्ट कर रहा हूँ कॉमा नेम में मैं ABC इंसर्ट कर रहा हूँ देन कॉमा अगेन मैं इंसर्ट करूंगा मोबाइल नंबर 5566332211 देन अगेन कॉमा डेट सिंगल कोट्स 1996 10 15 सेमी कोलन। नाउ मैं रन करता हूँ इस क्वेरी को। ओके एरर आ गया डेट डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम एस अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट। ओके कॉन्टेक्ट में मोर देन 10 वर्ड चले गए हमारे साथ वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगेन रन करते हैं। वॉयलेशन हो गया चेक कंस्ट्रेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक कंस्ट्रेंट का वॉयलेशन हो गया। स्टूडेंट 1 वॉयलेटेड, यहाँ पे जीरो नहीं चलेगा सो हमें यहाँ पे 1 इंसर्ट करना पड़ेगा। एंड आपने देखा मैंने वेरकेयर में यहाँ पे 10 लिखा था, तो कॉन्टेक्ट नंबर इज नॉट मोर देन 10। अगर कोई भी यूजर मोर देन 10 कॉन्टेक्ट नंबर इंसर्ट करेगा तो डेटाबेस उस क्वेरी को फैच ही नहीं करेगा और वहां पे उसे एरर मिल जाएगा। सो इस तरह से आप वेरकेयर को यूज करके कंस्ट्रेंट देते हो। यहाँ पे आ गया इंसर्ट स्टूड 1 टेबल इंसर्ट हो गई है। सो अगेन हम सिलेक्ट क्वेरी से टेबल को चेक करते हैं SCLECT सिलेक्ट स्टार फ्रॉम STUD1 सेमी कोलन यहाँ पे रन करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास डेटा टेबल आ गया विद चेक कंस्ट्रेंट। सो हमने ये फोर्थ कंस्ट्रेंट देख लिया टेबल क्रिएट करने का जो था चेक कंस्ट्रेंट। नाउ हमें जाना है फिफ्थ कंस्ट्रेंट पे जो है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। अब आप यहाँ पे बनाएंगे प्राइमरी की कैसे बनाते हैं वो देखना है। नाउ प्राइमरी की इज सिमिलर टू यूनिक की। प्राइमरी का मतलब होता है कि जिस टेबल का जो फील्ड हम प्राइमरी किसी भी टेबल में जो फील्ड प्राइमरी रखेंगे उसमें सारा डेटा यूनिक जाएगा। लाइक यहाँ पे अगेन हम रोल नंबर को ही प्राइमरी बनाएंगे। सो लेट्स सी कैसे बना देते हैं हम किसी भी टेबल को प्राइमरी। सो अगेन आई एम क्रिएटिंग अ टेबल CREAT create table STUD stood 1 2 3 4 or 1 2 4 bracket start bracket end semicolon enter करते हैं। Now यहाँ पे हमें create करना है table for primary। So यहाँ पर again student का ही data मैं create कर रहा हूँ। So S underscore roll number integer space not null स्पेस। अब आप यहाँ पे लिखोगे प्राइमरी की PRIMARY प्राइमरी KEY की प्राइमरी की कर दिया देन आप कॉमा करो। अब यहाँ जाएंगे एस अंडरस्कोर नेम वेरकेयर 40 स्पेस नॉट नल कॉमा देन अब आप यहाँ लिखोगे एस अंडरस्कोर रोल नंबर हो गया नेम हो गया। नाउ सो हमने नॉट नल लिख दिया है देन हम यहाँ पे एस अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट लिखते हैं CONTACT कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट के यहाँ पे हम ऐड कर देंगे वेरकेयर 10 स्पेस नॉट नल कॉमा देन एस अंडरस्कोर DAT डेट कंप्लीट। नाउ यहाँ पे हम इसे रन करते हैं। सो क्रिएट टेबल स्टूड यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अगेन अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है तो DESC टाइप करेंगे और आप यहाँ टाइप करोगे STUD124 सेमी कोलन और यहाँ पे आप इसे रन करोगे। सो अगर मैं टेबल क्रिएट करता हूँ और मैं भूल जाऊं, देखो यहाँ पे की में प्राइमरी की लिखा गया है। सो अगेन सॉरी अगर मैं यहाँ टेबल क्रिएट करता हूँ और मैं उस पर प्राइमरी की देना भूल गया तो आप कैसे प्राइमरी की दोगे। सो अगेन मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ CREAT create STUD stood 1 to 5 bracket start bracket end semicolon। Now यहां पे create table। अब यहां पर मैं s underscore roll number टाइप कर रहा हूं
रोल नंबर इंटीजर कॉमा, देन मैं लिखता हूं एस अंडरस्कोर नेम, वेर केयर एन 40 कॉमा, देन अगेन लिखूंगा एस अंडरस्कोर सी एन टी ए सी टी कॉन्टेक्ट, यहां पर आएगा वेर केयर 10 कॉमा, देन मैं लिखता हूं एस अंडरस्कोर डी ए टी डेट एंड कंप्लीट। सो नाउ मैं से रन कर रहा हूं एज इट इज, ये टेबल क्रिएट हो गई है। इफ यू वांट टू सी आप यहां पे टाइप करते हो डी एस सी एच टी यू डी 125 सेमीकोलन, यहां पे आप रन करो, टेबल आ गई। अब मुझे इसमें ऐड करना है कंस्ट्रेंट, किस चीज का, प्राइमरी की का। सो कैसे ऐड किया जाए, तो इसके लिए हमारे पास क्वेरी है अल्टर टेबल की, आपको टाइप करना होगा ए एल टी आर अल्टर देन टेबल, टेबल का नेम है एस टी यू डी 125, टेबल का जो नाम है आप वो लिखोगे यहाँ पे, देन आप यहाँ पे लिखोगे एड प्राइमरी की, एड प्राइमरी की और किस फील्ड पे ऐड करना है, लाइक एस अंडरस्कोर रोल नंबर पे ऐड करना है, तो मैं टाइप करूंगा एस अंडरस्कोर रोल नंबर सेमीकोलन करेंगे, यहां पे से रन करते हैं। अल्टर टेबल स्टूड एड प्राइमरी की एट रोल नंबर, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वापस अगर आप स्ट्रक्चर पे जाते हो डी एस सी एस टी यू डी 125 सेमीकोलन, यहाँ पे आप रन करोगे सो यहाँ पे आपको प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट देखने मिल जाएगा, जो इससे पहले जब हमने स्ट्रक्चर देखा था तब नहीं था। सो यू कैन ऑल्सो एड प्राइमरी की यूजिंग अल्टर, एक बार टेबल बन गई फिर अगर आपको कोई भी डेटा चेंज करना है तो पर्टिकुलर आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी अल्टर टेबल, देन जो भी आपकी टेबल का नाम है वो, और उसमें जो फील्ड में आपको जो भी चेंज करना है, लाइक अल्टर टेबल स्टूडेंट, देन एड प्राइमरी की, अगर आपको इसके अलावा कोई चीज ऐड करनी है तो आपको जो भी चीज जहां भी ऐड करनी है, डिफॉल्ट ऐड करना है डिफॉल्ट भी ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग दैट ब्रैकेट। सो बाय यूजिंग दिस हम प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर।